Good morning, viewers. Today we are going to have a look on the paintings in our school lobby. These paintings are made by the drawing team of our school, and they have made these paintings putting their earnest efforts to make our campus look beautiful. These paintings and these pictures are conceptualized in a multifaceted functioning to capture the young minds. So, before going through these paintings, let us meet the drawing team. Drawing in charge in this school, and I am teaching drawing in standard 9th. Hello, I am Dharmika Gohil. I am teaching drawing in first standard. Hello, I am Korea Joyka. I am teaching drawing in second and third standard. Hello, I am Deepsha. I am teaching drawing in standard 4th and 8th standard. Okay. So, as you can show in this board, हर एक wall painting के अलग-अलग theme के हिसाब से अलग-अलग drawings होंगे, जो बच्चों को समझने के लिए बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक पूरी family, which is a very famous cartoon, छोटा भी, और यहाँ पर बहुत सारे famous characteristics भी हैं, and आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक animal है, which is a monkey. So they are described that कि एक friends के साथ एक animal भी किस तरह से friendly हो सकता है। तो वो अपनी फ्रेंडशिप को समझा रहा है किस तरह से आपको फ्रेंडशिप पे आगे बढ़ना चाहिए और बच्चों को भी ये सब कुछ समझना चाहिए. सो दिस इज डिसाइडेड इनटू दिस वॉल. नाउ दिस विल बी द एजुकेशन रिलेटेड वॉल. एज यू कैन शो द एयर बलून्स, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर एंड लॉयर. इन दिस स्कूल वी आर लर्निंग अबाउट दैट द एजुकेशन. पर इसके अलावा भी बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे स्कूल पे ऑलरेडी हैं. सो हमारे यहाँ पर सब कुछ दिखाया जाएगा, उसके ऊपर फोटोज भी है. यस, डॉक्टर के रिलेटेड सारे फोटोज भी हैं, तो हम लोग समझ भी पाएंगे किस तरह से हमारा एजुकेशन स्कूल पे चलता है. सो ये वो है, वो उसको डिस्क्राइब करती है. नाउ नेक्स्ट वन इज, दिस इज अ लिटिल बिट बेसिक ऑन साइंस. एंड यू कैन शो द रेनबो, विच इज अ सिंगल येलो कलर में से 7 कलर्स है, वो अलग अलग होते हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म है विग्यो, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सो दिस इज द बेसिकली थीम ऑन द रेनबो. नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज द वॉल, क्रिएट सम एजुकेशन. आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख सकते हो. एक बहुत ही बड़ी बुक यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल के अंदर, जैसे कि देख रहे हो कि नीचे एक एक्वेरियम है. तो किस तरह से वो अलग अलग. एंड यस, देयर इज अ बेस ऑन द रिवर, देयर इज अ माउंटेन इन दिस बुक, एंड देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेन, सन, ट्रीज एंड द पिरामिड्स आल्सो. तो एक बुक के अंदर कितने सारे एजुकेशन रिलेटेड थीम छुपे हुए वो आपको इस पेंटिंग में दिखाई दे रहा होगा. नाउ दिस इज वॉल इज बेसिकली ऑन साइंस, विच इज थीम बाय द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन we are inhaling oxygen, but where we are get from the oxygen? In this process, leaf will get the rays of sunrise. वो sunlight लेते हैं, leaf है, वो oxygen को release करती है, and they will get the carbon dioxide. So this is the base on the photosynthesis. Next one, the very very important in our school, which is a symbol of in our school, our value to decide in our student futures. इस तरह से वो अपने आप को समझते हैं, इस तरह से वो अपने आप को एजुकेशन के रिलेटेड समझेंगे. ये हर एक लीव्स के अंदर अलग अलग नेम्स होंगे, उस तरह से वो अपना करियर बनाएंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है. इस वॉल के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं, इस तरह से वो अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट वन इज दैट, दिस इज अ बेसिकली डिपेंड ऑन टू द अनदर ड्रॉइंग, विच इज यस एंड इन दिस केस. आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टेजेस, विच इज अ लीडरशिप, पॉजिटिविटी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, अवेयरनेस, एस्पिरेशंस, रिसाइलेंस एंड इंटेग्रिटी. सो दे आर डिपेंड ऑन दैट कि किस तरह से स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए. उसकी अलग अलग अगर कोई क्वालिफिकेशन है, उसकी अलग अलग एजुकेशन है, तो वो अपने आप को स्टेप बाय स्टेप पूरे एजुकेशन में आगे बढ़े. लाइक दिस, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी फेमस galaxy in our galaxy related to the very famous big star, which is called a sun. We have 8 planets: Mercury, Venus, Earth,
Mars, Jupiter, a very, very beautiful planet in our galaxy. Saturn, they have a 3 rings also. Uranus have also one ring. Neptune and Pluto. In these days, Pluto हमारे galaxy से बाहर निकल गया. But in past, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि Pluto एक समय पे galaxy में था. This is the birdhouse. Encouragement. यहाँ पर बहुत सारे LKG's की classes हैं, तो उसको encouragement मिले, उस हिसाब से हमने सारे drawings किए हैं, इसलिए इसका नाम भी यहाँ पर है. Okay, now you can see the very cute honeybees into the wall. But this basically depend on the theme sign, English. English mein how to speak English, how to learn English, there are 8 part of speech. किस तरह से आपको English बोलना है, किस तरह से सीखना है, you have to know first, there is a part of speech, ये भी आपको समझना चाहिए. Which is a little honeybees take a table, add to the stickers, उसने stickers पकड़े जिसपे parts of speech के names हैं अलग-अलग. So ये उसी हिसाब से था. Now next one, totally based on the science theme. There is a very little human beings, a very little dog is there, so it's very interesting for a young minds. इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर एक beaker है बड़ा वाला. Then this will be the tripod stand. This is the test tube. And yes, very important. This is the very important science formula which is done by the scientist Albert Einstein. And this is the formula of water. हम लोग पानी तो पीते हैं पर उसका chemical formula कौन सा है? So this is the H2O. It's the chemical formula of the water. So they are based on science. Now in this world, very very important for our students. आपने जितनी भी वॉल देखी उसके अंदर कुछ ऐसे पेंटिंग्स हैं जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने भी हेल्प की थी. तो दिस इज द हैंड प्रिंट ऑफ अवर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जिसने हमारे हर एक काम में बहुत ही बड़ी हेल्प की है. ये उसी का एक प्रूफ है किस तरह से उसने हमने वॉल पेंटिंग में हेल्प की थी, उसके आइडिया शेयर किए. सो दिस इज डेडिकेटेड टू अवर स्टूडेंट्स. दे आर वेरी इंटरेस्टेड विद द ड्रॉइंग एंड एजुकेशन ऑल्सो. दे आर बैड्स ऑन दिस साइंस. Now this is very famous characteristics. This is a signature. हर एक को ये character के बारे में मालूम होगा. It's a very famous cartoon. Now next one is, this is actually in our cartoon industry a very famous cartoon. Actually में ये जापानी सा cartoon है, but हमारे इंडिया में ये बहुत ही famous. And this is the one of the famous cartoon. हर एक छोटे बच्चे को ये पसंद आता है. But ये अलग अलग characteristics है, वो अलग अलग टैलेंट के साथ ही वो ग्रो होती है. किस तरह से उसको आगे बढ़ना चाहिए, इसकी आदत है कि हर एक चीज को शॉक करना, इसकी आदत है कि हर एक चीज को जला देना. तो हर एक हाँ, और इसकी आदत तो ये भी है कि जब वो सिंगिंग करती है, इसका नेम है, नेम तो मुझे बता नहीं, बट इट्स अ वेरी क्यूटेस्ट बर्ड इन दिस कार्टून. तो जिगली पफ, यस इसका नेम है जिगली पफ. तो ये जब गाती है तो सारे लोग सो जाते हैं. तो हर एक के पास कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स था. एंड दिस इज द पोकेमॉन गो. उसके अंदर से ये सारे कैरेक्टर्स निकल. ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बारे में सबको मालूम है. एंड दिस इज रिलेटेड टू फ्रेंडशिप. अ मिकी माउस एंड अ मिनी माउस, अ वेरी वेरी ओल्डेस्ट कार्टून इन अवर कार्टून इंडस्ट्री. किस तरह से फ्रेंडशिप पे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये हमारे बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है. देयर इज अ फ्रेंड सो देयर इज एनिमीज आल्सो. एज वी हैव सेड इट बिफोर, दिस इज द टॉम एंड जेरी. एवर टाइम फाइटिंग इन अवर कार्टून इंडस्ट्री, बट एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते. तो ये हम लोग उसके अंदर वो दिखाना चाहते हैं किस तरह से वो, और ये बहुत ही पुराना कार्टून है. दे आर बोथ कार्टून, इट्स अ वेरी ओल्डेस्ट कार्टून इन अवर कार्टून इंडस्ट्री. नाउ दिस इज बेसिकली डिपेंड ऑन दी हिंदी सब्जेक्ट. किस तरह से अलग अलग अल्फाबेट्स जो हमने इंग्लिश में भी देखे थे, उसी तरह से एक ट्रेन बनाई गई है जिसमें हिंदी के अल्फाबेट्स होते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पर क, ख, ग, ग, सारे के सारे हिंदी के अल्फाबेट्स यहाँ पर आप दिखाई दे रहे. सो इन दिस वर्ल्ड दिस इज बेसिकली डिपेंड ऑन द हिंदी. यहाँ पर सारे वर्ड्स भी हैं, एक फाउंटेन भी है जो हर एक चीज को नेचुरली क्रिएट करते. दैट इज वाई हर एक थीम को हमने यहाँ पर एजुकेटेड दिया है. इंग्लिश था, साइंस था, हिंदी भी. डिसिप्लिन, इन दिस स्कूल फर्स्ट वी हैव टू डिसिप्लिन अवर सेल्फ. सो ये भी बच्चों को मालूम पड़े, इसलिए हमने ये भी स्टिकर यहाँ पर लगाया. हर एक चीज पे कोई ना कोई थीम तो होगा जो बच्चे हैं वो समझ सकते. दैट इज वाई
Now this is based on a computer. As you can show, as you can see in this wall painting, यहाँ पर एक sticker है, जहाँ पर एक बड़ा सा computer है, which is the founder Charles Babbage in 1936. 1936 में चार्ल्स बेबेज ने बड़ा सा इमेज एक कंप्यूटर का बनाया था. तो फर्स्ट इमेज में वो है. उसके बाद जो कंप्यूटर बने उसके अंदर ये मशीन्स का इस्तेमाल हुआ था. दिस इज द वैक्यूम ट्यूब जो बहुत पहले के जमाने में कंप्यूटर में यूज हो रहा था. उसके बाद ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, दे आर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ अवर कंप्यूटर. फिलहाल के जमाने में ऐसा नहीं है, अब तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है और अब तो सब कुछ है वो एंड्रॉइड टाइप हो गया है. This is the Microsoft Windows founder Bill Gates. सब लोग उसको जानते हैं किस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना वो काफी जरूरी है. एंड अब के जमाने में स्मार्टफोन ज्यादा जरूरी है, तो किस तरह से एंड्रॉइड को हम लोग रिप्रेजेंटेड करें. सबसे पहला एंड्रॉइड कहाँ से फाउंड हुआ था, विच इज द 23rd September 2008. सो आजकल एंड्रॉइड के जमाने में हर कोई रहना चाहता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एक वेरी क्यूटेस्ट पांडा है ड्रॉ किया गया है जो एक ट्री के ब्रांच के ऊपर खड़ा हुआ है. वेरी क्यूटेस्ट कार्टून इन दैट टाइप ऑफ कार्टून्स. सो किस तरह से वो अलग अलग थीम्स के हिसाब से एनिमल्स भी थे वो भी बच्चों को मालूम पड़ रहे हैं. इट इज कॉल्ड पांडा, इट इज कॉल्ड एनिमल. हर एक चीज को हमने प्रोवाइड किया है. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स. पेंटिंग्स के बारे में आप लोग सब कुछ जानते होंगे, बट एब्स्ट्रैक्ट इट्स अ वन काइंड ऑफ पेंटिंग्स जो आप यहाँ पर एक डिजाइन में देख सकते हो. ब्लू कलर के अंदर, ग्रीन कलर के अंदर, ऑरेंज कलर के अंदर, सन इस तरह से दिखता नहीं है, बट देर आर सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो हर एक चीज को अलग अलग ड्राइंग से अलग एक अलग डिजाइन क्रिएट करती है. हमारा ड्राइंग ऐसा नहीं है कि चलो भाई पीस पे कलर चले और ड्राइंग हो गए. इफ देर आर वन काइंड ऑफ डिजाइन विच इज अ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग. ओके, नाउ देर इज अ पिलर, दे हैव अ बोथ पिलर विच इज कवर्ड विथ टू द एक्वेरियम. आप यहाँ पर देख सकते हो एक फिश है, अ स्टार फिश, एंड देयर इज अ फिश आल्सो. ये पूरा पिलर है वो हमने एक्वेरियम से कवर किया है. देयर इज अ ऑक्टोपस इन देयर. सो मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस, सो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. And the next pillar, there is so many animals, dolphin. हर एक चीज यहाँ पर बच्चों को दिखाई गई है जिसको मालूम पड़े कि इस तरह से पानी के अंदर के एनिमल्स रहते हैं. इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा सा एनिमल है, उसके घर कैसे होते हैं. यहाँ पर एक एनिमेटेड बोट भी है. तो सारा एक्वेरियम के थीम के हिसाब से हमने किया गया है. सो बच्चे समझ सके किस तरह से एक्वेरियम को क्या बोलते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स भी उसको मालूम होना चाहिए. दैट इज व्हाई. ओके, ये तो सारा थीम था एक्वेरियम के हिसाब से. नाउ बैक टू स्टडी, मैथ्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी रह गए. सो दे आर ऑल व्हाट डिपेंड ऑन रियली मैथ्स सब्जेक्ट. हर एक सिंबल आप देख सकते हो, इक्वल, मल्टीप्लाई, सेम इज और इक्वल टू. देयर इज वन काइंड ऑफ बिकर व्हिच इज रिलेटेड टू डिपेंड ऑन साइंस. मैथ्स की शुरुआत जीरो से हुई थी पर उसका एंड है वो बहुत बड़े नंबर से हुआ था. तो मैथ्स के बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें. मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑल्सो. नाउ देयर इज अ जंगल बुक. बहुत ही पुरानी कहानी है इसके बारे में. बहुत सारे एनिमे है, मूवीज भी है, कार्टून्स भी है. किस तरह से एनिमल्स थे एक जू में एक साथ रहते थे वो इस बुक के अंदर हमें दिखाई देता है. तो बच्चों को भी ये समझ में आया कि किस तरह से अगर एनिमल साथ में रहते तो हमें ऑब्वियसली रहना चाहिए. नाउ दिस इज ऑल आर रिलेटेड टू द अल्फाबेट्स. एज यू कैन शो दिस, सी द ट्री, देयर इज अ ट्री विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेनी अल्फाबेट्स, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे. हर एक अल्फाबेट्स है वो एक ट्री में से ग्रो होते. जिस तरह से एक प्लांट है वो रूटिंग पार्ट में से ग्रो होकर बड़ा होता है. सो दे विल गिव सम काइंड ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. ये चीज है वो हमें बहुत सारा एजुकेशन के रिलेटेड है, वो सारी चीज में ज्ञान देती है. यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कैरेक्टर्स है. सपोज कि आप यहाँ पर देखोगे सो इट्स अ डॉग, डॉग फॉर टी. एंड दिस इज द एल शेप, एल फॉर लाइन. दिस इज द एम शेप, एम फॉर मंकी. तो ये सब कुछ है वो उसके हिसाब से. नाउ वी हैव अ करियर. आप देखोगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करते आपको ये मिलती है.
getting some education from with the help of learning. So you will have to do some hard work. Without hard work, you can do not anything. Then, if you get the hard work, aapko ek gyan milega, which is a knowledge. But saath mein discipline and reputation bhi bahut zaruri hai. Kyunki knowledge ke hisab se hame har ek cheez mein perfect hona zaruri hai. And you get the all of this, then you get the success. Success will make you a your career. So they are basically on your education, and this is also related to education. A book will decide your future. That is why हमने ये theme भी draw की है कि किस तरह से book के अंदर से हमें बहुत सारी ऐसी knowledge मिल सकती है, एक book में से हमें बहुत कुछ ज्ञान वगैरह मिल सकता है. This is the cutest movie. It is called My Name is Snail. It is a snail. जो पानी में रहना या फिर बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. बच्चों को याद रहना चाहिए कि इसको स्नेल बोलते हैं. That is why we are doing that type of things. Now this is the very famous game. तो अभी कार्टून में भी कन्वर्ट हो चुकी थी. A very famous. They are some kind of birds, which is a angry birds. But they are fight to with each other. But they are so helpful for each other. ये बहुत अच्छे friends भी एक दूसरे के. ये किस तरह से काम करें और किस तरह से वो आगे बढ़े वो हमें देखना है. Okay. Now this is all are decided for our future for our students. किस तरह से वो उसको समझे. Thank you. So dear viewers, hope you all liked all the paintings in our school lobby. And she is the one, Mrs. Kruti Mehta, who has led the team and put her earnest efforts. Thank you very much.